हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, सभी को जोहार। यहाँ स्लाइड में आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे दिख रही होगी कि 72 72 सीट जो है। सबसे पहले मैं बता दूं कि झारखंड कांस्टेबल की यहाँ बात हो रही है 4 2015 की। टोटल 7272 सीट आया था, इसमें से 5237 पे जो है वो ज्वाइनिंग लेटर इशू किया गया था छात्रों को। इसमें से इस हिसाब से आपके 2035 सीट खाली रह जाते हैं 2015 की वैकेंसी में। इसमें भी कुछ जो है वो प्रक्रियाएं करी गई थी। इसमें जो ज्वाइनिंग लेटर इशू करने के बाद भी 445 छात्र ऐसे थे जो ज्वाइनिंग नहीं करे। इस हिसाब से अगर 72 72 में 4792 सीट घटाते हैं तो 2480 सीट जो है वो खाली रहना चाहिए। और आयोग क्या कर रही है इस पर भी मैं अभी आगे चर्चा करूँगा। 2480 सीट जो है वो खाली रहना चाहिए, वो इस हिसाब से रहना चाहिए था कि जो लड़के ज्वाइनिंग नहीं किए या फाइनल ज्वाइनिंग जितना हो पाया उसमें से टोटल सीट को घटाया गया, तो 2480 सीट यहाँ पे हो गया। एक जो न्यूज़ वायरल हो रहा है फॉलोअप टीम की तरफ से, जो फॉलोअप हमारे न्यूज़ चैनल है झारखंड के, एक नामी चैनल है, इसका जानकारी काफ़ी ऑथेंटिक रहता है। भले ही इस स्लाइड में कुछ गलतियां इनके द्वारा झारखंड पुलिस से रिलेटेड कुछ नियम में करा गया है, लेकिन उससे उतना गौर करने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने बताया है कि 1120 पोस्ट जो है वो बैकलॉग की सीट है। बैकलॉग सीट मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि बैकलॉग सीट क्या होता है, जो पुरानी वैकेंसी आज हैं उसमें जो सीट खाली रह जाता है, रिक्त रह जाता है, उसको नई वैकेंसी में बैकलॉग के नाम से निकाला जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है 2480 सीट जो बैकलॉग था, बैकलॉग में ही कहूँगा क्योंकि 2015 में 2480 सीट खाली था, सभी छात्रों को पता है। इसमें से अगर 1120 का दावा किया जा रहा है कि 1120 पोस्ट पर बैकलॉग निकालेगा, तो ये 1360 पोस्ट कहाँ गए, ये सोचने वाली बात है। और उन सभी छात्रों को सोचने की ज़रूरत है जो झारखंड पुलिस 4 2015 के कैंडिडेट है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उनका हक मारा जा रहा है। 1360 पोस्ट एक बड़ा पोस्ट है। अगर 1360 पोस्ट पे अगर आपका अभी भी सेकंड मेरिट लिस्ट निकाला जाता है तो आप सभी छात्र जितने भी प्रयासरत हैं सबका नौकरी हो जाएगा। तो ये 1360 पोस्ट जो है वो आयोग की गलती से कहीं गया, या वैकेंसी लैप्स कर दिया गया, या फिर किसी अन्य कारण से किसी अन्य को नौकरी दे दिया गया। आप मेरे बात को अब समझ रहे होंगे, तो ये चीज़ें पता करने की यहाँ पे ज़रूरत अब आ गई है। इसके लिए मैं प्रयास खुद कर रहा हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप भी प्रयास करें। प्रयास करने का माध्यम क्या है, तो सबसे पहले आप RTI कर सकते हैं आयोग को, लेटर के माध्यम से आप उनको पूछ सकते हैं, या फिर आयोग कार्यालय जाकर वहाँ पता कर सकते हैं। मेरे क्या पता करने की जिज्ञासा है ये मैं खुद ही कर लूँगा, आप बार नहीं देता हूँ। मैं किस तरह से पता करना चाहता हूँ ये भी मैं आपको एक दो दिन में अपडेट दे दूँगा, और पता चला तो उसकी पूरी जानकारी मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। लेकिन आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप भी RTI करें, आयोग जाने का प्रयास करें कि ये 1360 पोस्ट जो है, लेकिन आयोग अभी इस पे जवाब नहीं देगी। मैं यही कहूँगा कि आयोग अभी जवाब नहीं देगी क्योंकि वैकेंसी जो है अभी तक आया नहीं है, लेकिन इसका जब भी टाइम आएगा, जैसे ही वैकेंसी जाएगा, इस पे अमल करना पड़ेगा। आप सबों को जागरूक होना पड़ेगा क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक स्कैम के तौर पर देखा जा सकता है। दूसरी बात मैं यहाँ पे करना चाहूँगा कि स्टे ऑर्डर जो छात्र बोल रहे थे कि स्टे ऑर्डर को क्या नहीं लगाया जा सकता, तो मैं साफ तौर पर बोलूँ कि जानकारी मुझे है कि स्टे ऑर्डर जो है वो लगाया जा सकता है, लेकिन किस स्थिति पे लगाया जा सकता है, किस परिस्थिति पे लगाया जा सकता है, वो आपको जानने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं यहाँ कहूँगा, मैं बार बार एक चीज़ का हवाला देते आ रहा हूँ कि यहाँ इलेक्शन है और इलेक्शन में सरकार सीधा तौर पर जवाब देगी स्टे ऑर्डर देने पर कि मुझे वैकेंसियाँ करानी है, क्योंकि 8 साल से कोई वैकेंसी नहीं दे पाया हूँ, तो यहाँ पर स्टे ऑर्डर आपका काम नहीं करेगा। ये चीज़ें आपको समझनी होगी। स्टे ऑर्डर जो है वो 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है किसी भी वैकेंसीज पर, और 6 महीने के बाद वो स्वतः लैप्स हो जाता है। तो स्टे ऑर्डर के बारे में आप विशेष जानकारी अपने वकील से ले सकते हैं, बाकी मुझे जो जानकारी है वो मैं अपनी जानकारी के अनुसार आपको बता रहा हूँ। स्टे ऑर्डर जो है वो किसी भी वैकेंसी के आने के बाद ही लगाया जा सकता है, और बैकलॉग की सीटें जो 1120 यहाँ पे दिख रही है, इस सीट पे तो बिल्कुल लगाया जा सकता है अगर वकील चाह ले तो। 6 महीने के लिए तो बिल्कुल लगाया जा सकता है, लेकिन एक शर्त है कि सरकार इस पे आगे ना बढ़ जाए, सरकार अपना जवाब दाखिल ना कर दे, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि इलेक्शन है और यहाँ पे स्टे लगाना उतना संभव नहीं है, ठीक है। स्टे लगाना इतना आसान झारखंड में अभी नहीं होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी प्रक्रियाएँ हैं आप बेहतर ढंग से रणनीति के साथ करते रहें, ठीक। बाकी जो 1120 आपके सीटें हैं यहाँ पे बैकलॉग के लिए, ये कहीं ना कहीं दुविधा की बात है, क्योंकि बैकलॉग में आपके सीटें 2480 होनी चाहिए, जो बिल्कुल भी
आधा से भी कम है, और 1300 सीट जो है, 1360 सीट जो है, ये कहाँ गया, ये आपको सोचने की ज़रूरत यहाँ पे बेहतर ढंग से है। बैकलॉग के बारे में मैं विशेष यहाँ पे बात नहीं करना चाहता हूँ, ना ही कोई टिप्पणी करना चाहता हूँ, क्योंकि ये सरकार का मामला है, JSSC का मामला है, और आप लोग समझदार हैं। मैं बार बार अगर बोल चुका हूँ बैकलॉग बैकलॉग बैकलॉग, तो आप समझ सकते हैं कि बैकलॉग पे मेरा सीधा स्टैंड है कि इतना आसानी से बैकलॉग को नहीं लगाया जा सकता। नियम तो बहुत हैं, नियम के चक्कर में पड़िएगा तो फिर बहुत कुछ हो सकता है यहाँ पे, लेकिन बैकलॉग वाली स्थिति मैं साफ तौर पर क्लियर कर दूँ कि बहुत मुश्किल होता है। एक चीज़ें और भी हैं कि अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज़ आप यहाँ देखेंगे तो 2480 सीट यहाँ पे अगर खाली है, तो कहीं ना कहीं 1160 जो है, 1360 था, 1360 जो है उसको पता करना और बेहतर ढंग से पता करना, इसकी ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ और जल्द से जल्द पता करने का कोशिश करूँगा। लेकिन सिर्फ मेरे थ्रू अगर पता चल जाए तो ये तो बेहतर है, अगर नहीं चल पाता है तो आपका सहयोग भी जायज़ होगा, और आप भी कोशिश अपने स्तर से करें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमसे बेहतर जानकारी आप लोगों में रखते हैं और आप लोग कुछ बेहतर कर सकते हैं, तो आप अपना भी प्रयास करें। मैं अपना प्रयास करता हूँ कि सही चीज़ें पता चल सके कि ये 1360 सीट जो है वो क्या हुआ। अभी तो आयोग जवाब नहीं देगी, मैं साफ तौर पर बोलूँ, क्लियर जवाब नहीं आएगा जब तक उनका वैकेंसियाँ क्लियर नहीं हो जाती है, लेकिन उसके लिए आपको तैयार रहना है कि किस तरह से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या रणनीति होना चाहिए, अपने वकीलों से चर्चा करने की ज़रूरत यहाँ पे है कि इस तरह की बातें सामने निकल कर आ रही है। बाकी आप लोग समझदार हैं, बातें मैं उतना विशेष यहाँ पे नहीं करना चाहूँगा। मेरा सिर्फ बताने का मकसद, इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि मैं आपको बता दूँ कि कितना बड़ा स्कैम यहाँ पे सरकार के द्वारा, आयोग के द्वारा, लगभग लगभग स्कैम ही कहूँगा ये, लेकिन जब तक 100% पता नहीं चल जाता है तब तक यहाँ कुछ भी कहना मैं सही नहीं समझता हूँ, क्योंकि प्लेटफॉर्म ऐसा है कि कुछ भी वायरल होता है। तो आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं कि 1360 सीट जो है वो एक बड़ा सीट है, बस इतना ही कहूँगा। इस चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, तो इस तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।